देश को एक साथ मिली 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी और 3 ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से किया संवाद। पुलिस कर्मचारियों के लिए 200 से 400 रुपए मासिक मोबाइल भत्ता देने की घोषणा की। हरियाणा पुलिस की प्रहरी ऐप भी किया लॉन्च। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 2 दिवसीय दौरे पर झज्जर पहुंचे। ग्रामीणों से संवाद कर सुनी समस्याएं। ग्रामीणों को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत नूह में रोजगार मेले का आयोजन। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने करीब 60 चयनित युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ट्रेनों के शुरू होने से इन राज्यों के पर्यटन क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। यह ट्रेनें पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी स्टेशन पर लोगों का अभिवादन करने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस के भीतर गए और उन विद्यार्थियों से मिले जो शुरू होने वाली नई वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अपना हाथ से बनाई पेंटिंग और स्केच गिफ्ट किए। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर स्टेशन पर मौजूद लोग खुश नजर आए। आपको क्या लगा? मुझे इसके इंटीरियर जो डिजाइन है और जिसकी सीट है और जो इसकी फैसिलिटी है वो अच्छी लगी। सबसे बड़ी चीज कौन सी? सबसे अच्छी दिव्यांग के लिए अच्छी फैसिलिटी। क्या अच्छा और क्या अच्छा लगा? सर मुझे इसके जो ऑटोमेटिक डोर्स है वो सबसे अच्छा। अच्छा, डोर अच्छा लगे। अच्छा, आपका इस बात पे ध्यान गया कि मेड इन इंडिया है, इसका गर्व हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल शाम पंचकुला में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान SHO, CIA प्रभारियों, थाना मुंशी और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सहित विभिन्न पुलिस इकाइयों के अधिकारियों व कर्मियों को संबोधित किया। CM ने सभी पुलिस अधिकारियों को पुलिस स्टेशनों में तैनात कर्मियों के बराबर 1 महीने में अधिकतम 20 दिन का भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के लिए 200 से 400 रुपये मासिक मोबाइल भत्ता देने की भी घोषणा की। इसके अलावा CM ने यह भी घोषणा की कि पुलिस स्टेशनों में तैनात मुंशियों को आतिथ्य सरकार के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। थाना में नियुक्त पुलिसकर्मी हैं, उनको दैनिक भत्ता डेली अलाउंस महीने में 20 दिन तक अलाउड है। बाकी लोग काम करते हैं, अब उसमें जो जो श्रेणियां हैं उन जिन श्रेणियों को भी 10 दिन का अलाउंस का एक परमिसिबल एक लिमिट है, उन सब की भी, क्योंकि काम तो वैसे ही ड्यूटी का रहता है, तो उन 10 दिन के बजाय उनका भी 20 दिन का दैनिक भत्ता ये मंजूर किया जाता है। पुलिसकर्मी आज के युग में बिना मोबाइल के काम नहीं कर सकते, इसलिए जो मोबाइल का अलाउंस है तो पुलिसकर्मियों के लिए भी अलग अलग श्रेणियों का, कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल 200 रुपया महीना, ESIs 250 रुपया महीना, SIs 300 रुपया महीना और इंस्पेक्टर 400 रुपया महीना ये भी मंजूर किया जाता है। तो आज से हर थाने के मुंशी को मासिक 3,000 रुपया दिया जाएगा चाय पानी के लिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस का प्रहरी ऐप भी लॉन्च किया। उन्होंने हरियाणा पुलिस के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया और इसे पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल की वर्दी पर शोभित किया। मुख्यमंत्री ने नशे की रोकथाम के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें सख्त कानून प्रवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और नशीली दवाओं की तस्करी और खपत को रोकने के लिए सक्रिय उपाय शामिल होने चाहिए। रिस्क और भी ज्यादा होता है, नशा करने वाले, सेवन करने वाले तो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन जो स्मगलिंग करने वाले होते हैं इनसे खतरा भी होता है। उस खतरे के साथ भी हम, यानी उसके साथ खेलते हैं तो भी हम अपनी ड्यूटी जो करते हैं।
कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने युवाओं को नशे से दूर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से होने वाली समस्याओं को रेखांकित करते हुए कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दो दिवसीय दौरे पर झज्जर पहुंचे। यहां उन्होंने शेरिया गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवानी चाहिए ताकि बच्चे बड़े होकर बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाएगी। राज्यपाल ने ग्रामीणों को अपने स्वास्थ्य के लिए भी सजग रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव के स्कूल को साफ पानी मुहैया करवाने और जल निकासी के समाधान के निर्देश भी दिए। इससे पहले राज्यपाल ने बेरी में स्थित माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा राज्यपाल ने सामान्य अस्पताल और झाड़ली थर्मल प्लांट का भी दौरा किया। कल राज्यपाल भाड़सा गांव में भी एक जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद करेंगे। मूल समस्या जो है शिक्षा, बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा भी बहुत बड़ी है और साथ ही साथ शिक्षा के साथ ग्राम में जितने नौजवान हैं बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, खेती करना चाहिए और नए नए जो है आज स्किल्स आए हुए वो स्किल्स को सीखने का कोशिश करना चाहिए। और दूसरी बात मुझे अच्छा लगा जो लड़की ने जो बताई थी गांव में जो है उसी स्कूल में जो है गंदा पानी आती है, गंदा वातावरण है। मैं तो आदेश दूंगा वो स्कूल को स्वच्छ बनाना और गंदगी सबको निकालना और अच्छे पानी बच्चों को पिलाना और वहाँ अच्छा पार्क भी बनाना, ऐसा मेरा विचार है, मैं वो काम करूँगा। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत नूह में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने लगभग 60 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे। रोजगार मेले में फरीदाबाद, पलवल, नूह, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले के लगभग 3,000 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे रोजगार मेले लगाए जाएंगे। आज इसकी शुरुआत नूह जिले से की गई है। इन मेलों का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार देना है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत अब तक 12,419 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ग्रामीणांचल में जो बच्चे हैं उनमें जो कौशल है उनको उसकी ट्रेनिंग दिलवा के और उनको प्लेसमेंट दिलवा के उनको रोजगार दिलवाया जा सके ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। 2,200 रजिस्ट्रेशन आज नए युवाओं के हुए हैं जो रोजगार के लिए ट्रेन होकर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। और इससे पहले जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें करीबन 12,400 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है और 3,750 उम्मीदवार हैं जिनको अभी जिनका प्रशिक्षण चला हुआ है। मेले में आए युवाओं ने रोजगार मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हम तो बहुत ज्यादा इसलिए कोर्स किया, पहले हमने डीडीयू के वाइक से, सर ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा खुशी है सर इस बात। हम डीडीयू जी के वाई से डिप्लोमा किया था एक और हमारा कम्प्लीट हो चुका है एक हफ्ता पहले और अब हमें इंटरव्यू के लिए बुला गया और हमारा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। 10,700 हमारी सैलरी लगाई है, बहुत खुशी के साथ करेंगे हम इसे। वहीं देवेंद्र सिंह बबली ने गठबंधन को लेकर कहा कि भाजपा और जजपा की सरकार मजबूती के साथ चल रही है, कांग्रेस पार्टी के हालात किसी से नहीं छिपे हैं, कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। गठबंधन में सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो सरकार है वो मजबूती से 3.5 साल प्रदेश हित के लिए हमने कार्य किया है, आने वाला जो समय बचा है उसमें आगे प्रदेश को बढ़ाएंगे और मजबूती से गठबंधन सरकार। कांग्रेस के पार्टी के हालात ये वो अपने लीडरशिप को लीडर ही मानने को तैयार नहीं है और आपसी फूट पहले भी थी और आज भी कांग्रेस में एजिटिव प्रकार है और जो आज जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है सरकार के अंदर हम अपनी जिम्मेवारी को निभाने में लगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। भाजपा ने तय किया है कि हमें तुष्टिकरण और वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टिकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरा बूथ मेरा सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री संबोधन को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। बाद में केंद्रीय मंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश में पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है। लोग हमसे और जुड़ सके और बहुत उदाहरण जो हर कार्यकर्ता कर सकता है कि गांव की अखबारें जो दिन में सबने पढ़ ली, शाम के समय एक चारपाई पर रख के सब लोग उसको पढ़ सकें। कुपोषण का शिकार जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ भोजन का, दूध का उस तरह से प्रबंध करना, उनको कुपोषित नहीं रखना और पोषण अभियान में जुड़ना। खाद खरीदने किसान जाते हैं तो इकलौता ना जाके सब सामूहिक रूप से गाड़ी में जाएंगे तो खर्चा भी कम पड़ेगा। अन्य योजनाओं के बारे में भी कैसे जुड़ा जा सकता है ये प्रधानमंत्री जी ने बताया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा आज फतेहाबाद में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशाल जागरूकता शिविर लगाया गया। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर ब्रह्मजोत सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ उठाना चाहिए ताकि वे खुद का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें। सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया करा रही है, जिसमें 35% सब्सिडी भी दी जा रही है। MSME के सहायक निदेशक गुरु प्रताप सिंह ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लोगों को 2 साल तक विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। रोजगार दे, वो काम देने वाले बने, काम मांगने वाले, और इससे वो जो देश की जो आर्थिक संपत्ति है उसमें अपना योगदान। प्रशासन 2 साल तक हर तरह से मदद करेगा उनकी, टेक्नोलॉजी कोई चाहिए, किसी स्पेस में कोई प्रॉब्लम आए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की ये प्राइम स्कीम है, शुरू की गई है, जिसमें उनका ये मंतव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो हमारी कृषि की उपज है उसका प्रसंस्करण हो सके और लोगों को अच्छे खाद्य पदार्थ मिल सकें। इसमें 35% जो उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत निवेश है, उसके ऊपर 35% सब्सिडी का प्रावधान है। वहीं कार्यक्रम में आए लोगों ने बताया कि यह शिविर उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहां मिली जानकारी के बाद सरकार की मदद से वे स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बनेंगे। छोटा छोटा रोजगार करने के लिए समझाए गए हैं, तो इसमें जैसे लोन मिलता है उसमें लोन के आधार पे अपना कोई भी कारोबार छेड़ सकते हैं, और उसके बाद उस लोन में लोगों को सब्सिडी भी मिलती है। प्रधानमंत्री की सूक्ष्म योजना के बारे में हमारे को बहुत ये चीज़ें अच्छी लगी। इसमें हमें लोन मिलता है, हमारे बेटा ले मिलता था इस स्कीमों के बारे में, और हम भी आगे से इस स्कीमों का लाभ उठाएंगे। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल गुरुग्राम के अपैरल हाउस में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी।
कृषि मंत्री ने बैठक में कुल 18 परिवादों में से 9 मामलों का तत्काल निपटारा किया, जबकि 9 मामलों को अगली बैठक तक अधिकारियों को निपटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अन्य लोगों की भी शिकायतों की सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दक्षिणी हरियाणा में बिना कोई भेदभाव विकास कार्य करवा रही है। दक्षिणी हरियाणा के किसानों को सबसे ज़्यादा बिजली और नहरों का पानी मिला है। भवंतर भरपाई योजना के अंतर्गत बाजरे का सबसे ज़्यादा पैसा दक्षिणी हरियाणा को ही मिला है। कोई भेदभाव नहीं है, सबसे ज़्यादा काम ही सरकार में हुआ है। मैं भी दक्षिण हरियाणा से आता हूँ, हमारे यहाँ दक्षिण हरियाणा के किसानों को सबसे ज़्यादा बिजली मिली है, सबसे ज़्यादा नहरों का पानी मिला है, बाजरे का भावांतर भरपाई का पैसा मिला है। और मैं समझता हूँ कि दक्षिण हरियाणा के किसान सरकार से बहुत कोई भी नई व्यवस्था करते हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे ये होटल के सिस्टम हो, जितने दुनिया के विकसित देश हैं उनमें ये सब लागू है। और ये कोई किसी को तंग करने के लिए नहीं है, जनसाधारण को सरकार की नीतियों का लाभ सीधा मिले, बगैर बिचौलिए के मिले, ये एक हमारी कोशिश है। इसके लागू करने में, इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है कि कुछ जगह गलत बन गए हों, किसी को दिक्कत हो गई हो, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार इसको ठीक करने में लगी है। आज हरियाणा के सबसे ज़्यादा गाँव में बिजली है, तोरियाँ बंद हो गई हैं, लाइन लॉसेस कम हो गए हैं, आज DBT का पैसा मिलना किसान को मिलता है, ये भी एक सुधार है। आज किसान को भाव सीधा उसके खाते में पैसा मिलता है, ये भी एक सुधार है। तो सुधार करते वक्त हो सकता है कि पुरानी व्यवस्था के लोगों को कुछ दिक्कत महसूस हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर नई नई प्रक्रिया के तहत सुधार होते रहने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी खबर आई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&T ग्लोबल रेटिंग में भारत के लिए अपनी रेटिंग बढ़ा दी है। आज के न्यूज लेंस जरिए जानिए आखिर क्या है इस खबर के मायने। आज भारतीय अर्थव्यवस्था हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैंकिंग सेक्टर के लिए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रेटिंग बढ़ा दी है। रेटिंग एजेंसी ने बैंकिंग सेक्टर में भारत का स्थान 6 से 1 पायदान बढ़ाकर 5 कर दिया है। बता दें कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा एक बैंकिंग इंडस्ट्री कंट्री रिस्क असेसमेंट जारी किया जाता है, जो किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र का संकेतक होता है। इस संकेतक में रेटिंग एजेंसी ने अब भारत को 5वां स्थान दे दिया है। बैंकिंग इंडस्ट्री कंट्री रिस्क असेसमेंट में किसी भी देश को 1 से 10 के बीच का स्कोर दिया जाता है, जिसमें अगर किसी भी देश को 10 का स्कोर मिलता है तो वह उच्चतम जोखिम का संकेत होता है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक भारतीय वित्तीय क्षेत्र में तेजी से सुधार हो रहे हैं, साथ ही आने वाले समय में परिसंपत्ति की गुणवत्ता मजबूत होती रहेगी और भारत की अच्छी आर्थिक संभावनाओं से भारत के बैंकिंग सेक्टर को लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी ने 4 वित्तीय संस्थानों बजाज फाइनेंस, हीरो फिनक्रॉप, श्रीराम फाइनेंस और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रेटिंग 1-1 पायदान बढ़ा दी है। साथ ही HDFC बैंक, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की क्रेडिट प्रोफाइल को भी 1-1 पायदान बढ़ा दिया है। अगर बात करें इस खबर के मायनों की, तो बता दें कि कोई भी विदेशी निवेशक किसी भी देश में निवेश करने से पहले उस देश की रेटिंग देखता है। विदेशी निवेशक अपना पैसा उस देश में निवेश करता है जिस देश की रेटिंग अच्छी होती है, क्योंकि विदेशी निवेशक अपने निवेश पर कम से कम जोखिम चाहता है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा भारत के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग में सुधार करना एक अच्छा संकेत है, जिसके कारण आने वाले समय में देश में विदेशी निवेश में और ज्यादा इजाफा होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।